हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सकें सबसे पहले वीडियो अपडेट्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय हम लोग पहुंचे हैं नरिया और जा रहे हैं अहराउरा के पास भंडारी देवी के लिए। ये रास्ता बीएचयू बाउंड्री से लगा हुआ है और सुबह के 7 बज रहे हैं। बीएचयू कैंपस के अंदर ये नया हॉस्पिटल बन रहा है जिसे एम्स कहा जा रहा है, बनारस का एम्स। अर्ली मॉर्निंग सनराइज, सामने वाली गाड़ी पे हैं अभिजीत महोदया और उनके दोस्त आकाश। लंका चौराहा, मालवीय जी की प्रतिमा लगी हुई, ये है बीएचयू गेट। हम लोग जाएंगे सामने घाट से होते हुए रामनगर। साथ ही राइडर सुनील केसरी और शुभम। सामने घाट से रामनगर जाने का रास्ता, जो कि नया फ्लाईओवर बना है, नया ब्रिज बना है कह लीजिए, इस वजह से इस रोड पे ट्रैफिक थोड़ी हैवी हो गई है। और छोटा रास्ता भी पड़ता है ये। गंगा जी के ऊपर है, मेरे राइट साइड पड़ेगा रामनगर का किला, जो कि एक अच्छी घूमने लायक जगह है। कभी आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर आइएगा। रामनगर का किला ठीक मेरे सामने। यहाँ के फेमस लस्सी भंडार, लौटने में आपको यहाँ का टेस्ट भी हम बताएंगे कैसा है। रामनगर किला, अभी हम इन सब जगहों पे नहीं रुकेंगे। रामनगर का सब्जी मंडी जो कि अभी लग रही है, यहाँ पे आपको गांव की ताजी सब्जियाँ फल सब मिल जाएंगे। रामनगर चौराहा, यहाँ से हम राइट हैंड जाएंगे रेणुकूट रोड पे। ठीक सामने आ रहा है टेंगरा मोड़, कन्याकुमारी यहाँ से 2325 किलोमीटर, नागपुर 723 किलोमीटर, जबलपुर 515 किलोमीटर, ये है टेंगरा मोड़।
जो कि फेमस मोड़ है यहाँ का अपने जाम के लिए। यहाँ पे एक बार आप जाम में फंस गए तो 2-2.5 घंटे की फुर्सत, देखते हैं आज हमें जाम मिलता है कि नहीं। एक साथी मिस हो गया था, उसी का वेट कर रहे थे हम लोग। लीजिए जाम का मजा। बालू और गिट्टी की मंडी है, इस वजह से यहाँ इतना जाम है। ट्रैफिक चल रहा है, बरसात में ज़्यादा पॉपुलर रहता है और हम लोग दिसंबर में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। ऐसे तो आपको बरसात के टाइम काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ की, जाड़े का वीडियो हम लोग आपको देंगे। यह है रेणुगुट सोनभद्र का मेन हाईवे जो कि एमपी निकलता है। अरे ये एमपी का मेन हाईवे है, इस
पे हैवी लोड हमेशा रहता है, वैसे भी ये नो एंट्री का टाइम है। सब 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 बालू गिट्टी कोयला सब इसी रोड पे है। बेकार देखी प्रॉपरली ना चलाया तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, खड़ंजे वाली सड़क थी जो कि समय की मार पड़ने की वजह से एकदम जर्जर हो रखी थी। अभी ये पिछले 6 महीने के अंदर ये रोड बनी है। हम लोग आ गए हैं नारायणपुर तिराहे पे। हमारे राइट हैंड में जो रास्ता जा रहा है वो निकल जाएगा आपको सीधा चुनार से होते हुए आप मिर्ज़ापुर सिटी की जा सकते हैं, और ये रास्ता निकलता है एमपी के लिए रेणुपुर। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी रास्ते पे मेरा गांव भी पड़ता है अटहाट। मौका मिला तो आपको अपने गांव जरूर ले चलूँगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसी के ठीक बगल से एक रास्ता गया है ये जो कि मेरे गांव जाता है, और ये है नहर। इस रास्ते से भी आप मेरे गांव जा सकते हैं। पहाड़
पहाड़ी क्षेत्र का प्रारंभ होते हुए सौरिया कला, और यहाँ से आपको सारी पहाड़ियों की वादियाँ मिलेंगी। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर है भंडारी देवी का मंदिर, अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा रोड का हाल खराब होगा, इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन होने के बावजूद यहाँ रोड का ये हाल है। हमको भी गए टाइम हो गया है, देखते हैं। हाँ यही रास्ता है, मछली मार रहे हैं यहाँ पे फिशिंग नेट से। ठीक सामने भंडारी देवी का पहाड़, यहाँ पे बच्चे मछली मारते हुए। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आके ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ऑफ रोड जितना चढ़ सकते हैं चढ़िए, आपके ऊपर है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हम लोग ने गाड़ी यहीं खड़ी किया था और यहाँ से पैदल चढ़ के गए थे। ये रास्ता जाता है ऊपर की ओर, आप भी अपनी अगर फोर व्हीलर से आइएगा तो गाड़ी यहीं खड़ी करके तब जाइएगा, इधर से चढ़ने का अलग ही मज़ा मिलेगा आपको। जिस रास्ते हम लोग जा रहे हैं वो वहाँ से थोड़ा दूरी पे मंदिर मिल जाएगा, हम लोग के पास सामान ज़्यादा है इस वजह से हम यहाँ पे गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर का रास्ता आगे से भी है, हाँ ये रास्ता सीधा मंदिर पे ही जाता है।
along here. खड़ी चढ़ाई यहाँ से व्यू देखिए ये है पिकनिक स्पॉट के लिए रास्ता और ये है भंडारी देवी का मंदिर टॉप ऑफ द हिल बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह है आप इधर के हों चाहे ना हों एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा ये रास्ता है जिस रास्ते हम लोग आए हैं तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगा भंडारी देवी का पूरा मंदिर और वहाँ के पुजारी का इंटरव्यू बाकी यहाँ के लोकल मान्यता क्या है वो तो आपको पुजारी ही बता पाएगा तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में